में कोरोना की दूसरी लहर के कहर को देखते हुए दुनिया भर से मदद आ रही है। NDTV और द हिंदू समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 25 से ज्यादा फ्लाइट्स विदेशी मदद लेकर आई हैं, जिसमें 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 1,36,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन भारत को मिले हैं। लेकिन सवाल ये है कि विदेशों से मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर आ रही ये मदद किन किन राज्यों को और कब पहुंचाई गई? भारत में मेडिकल मदद का पहला कंसाइनमेंट 25 अप्रैल को पहुंचा था। उसके बाद मेडिकल ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स लगातार भारत पहुंच रहे हैं। कायदे से आपात स्थिति को देखते हुए पहले दिन से ही इन सामानों का वितरण जरूरत वाले राज्यों को पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार को इस बारे में SOP बनाने में ही 7 दिन लग गए कि कैसे राज्यों और अस्पतालों में इसका वितरण किया जाए। इस मामले में नौकरशाही किस तरह काम कर रही है, इसे इस तरह समझा जा सकता है। विदेश से आ रही मेडिकल मदद को रिसीव करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय है, जबकि राज्यों और अस्पतालों में इस मदद को बांटने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP स्वास्थ्य मंत्रालय को बनाना था। 25 अप्रैल को पहली खेप आई और उसके वितरण के नियम स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 मई को जारी किए, यानी एक हफ्ते तक आई मेडिकल मदद एयरपोर्ट बंदरगाहों पर यूं ही पड़ी रही। जबकि अगर आमद के साथ ही ये राज्यों में पहुंचना शुरू हो जाती तो कई मरीजों की जान बचाई जा सकती थी। भारत सरकार विदेशों से आ रही मेडिकल मदद रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए ले रही है, जो NGO है। मेडिकल सप्लाई राज्यों तक न पहुंच पाने के सवाल पर रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंधन का काम सिर्फ मदद कस्टम क्लियरेंस से निकाल कर सरकारी कंपनी HLL को सौंप देना है। वहीं HLL का काम केवल मदद की देखभाल करना है। मदद कैसे बांटी जाएगी, इसका फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कहां गई विदेश से आई मेडिकल मदद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।